डियर स्टूडेंट टूडे इन दिस लेक्चर वीट टू टॉक अबाउट द ट्रांसपो जोस ट्रांसपोजोन्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ए सी एंड डी एस ट्रांसपो जो या जम्पिंग जीन विच आर जनरली फॉन इन केस ऑफ मेस सबसे पहले ट्रांसपोजोन्स होते क्या है दीज आर द डी एन ए सिक्वेंसेज जो कि मूव करता है फ्राम इट्स ऑरिजिनल पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद इन द जिनोम ये बिटवीन सेम क्रोमोजोम हो सकता है डिफरेंट क्रोमोजोम भी मूव कर सकता है यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा ये आपके डी एन ए सिक्वेंसेस है यहाँ पे देखिएगा ए सी एंड डी एस डी एस एस एलिमेंट को यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा ये डी एन ए का वो सिक्वेंस है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन टू अनदर पोजिशन यहाँ पे मीनस ये क्या कहलाएगा दट विल कॉल्ड इट इन ए

बट लेटर ऑन इन 1940s 1940s में बार मैकलिन टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज़ रिपोर्टेड दैट मेज़ के केस में कुछ ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि मूव करता फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन जिसको हमें डिटेल बाद में और पढ़ना है और एंड फॉर द सेम वर्क शी हैज़ बीन एवॉर्डेड नोबल प्राइज इन नाइनटीन अगर हम क्रोमोजोम सॉरी ये जंपिंग जीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमारे पास बीच में एक सेंट्रल सीक्वेंस होता है जिसके अंदर क्या होगा कोडिंग रीजन मीन्स वहाँ पे ट्रांसपोजेज इन्जाइम के लिए या दूसरे जीन्स हो सकते हैं और उनके साइड पे हमारे पास क्या होते हैं वी ना रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं और ये सेगमेंट जनरली होता है क्या है डी एन पेयर क्या हो सकते हैं दी सेगमेंट्स में भी डायरेक्ट रिपीट आर इनवोर्टेड रिपीट और ये रिपीट्स दीज रिपीट जो है दैट आर यूनिक फॉर Zones, हर zones का अपना अपना रहता रहता है, segments रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और हमारे पास बहुत तरह के jumping genes है या zones होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है बट डिपेंडिंग अपॉन दी हाउ दे ट्रांसपोर्ट मीन कैसे मूव कर रहा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल पोजिशन टू अनदर पोजिशन हमारे पास तीन तरह के हैं कंजर्वेटिव रेप्लीकेटिव एंड ट्रांसपोजिशन तो हम इस फिगर में यहाँ पे और अच्छे से समझ सकते हैं कंजर्वेटिव में हमारा क्या है कंजर्वेटिव में आप देखिएगा यहाँ पे ये देखिएगा आर द एलिमेंट जंपिंग है जिसको मूव करना कहां पे ये टारगेट साइड जो जो ब्लू कलर से है है पिंक ये आपका ट्रांसपोज या जंपिंग जिन है जिनको मूव होना है टारगेट साइड कौन सा है ब्लू कलर से यहाँ दिखाया गया तो कंजर्वेटिव में आपका होता क्या है ये ट्रांसपोजल एलिमेंट्स या जंपिंग जिन यहाँ से एकदम से मूव uh, करके

रेप्लिकेटिव में हमारे पास होता है क्या है जो ट्रांसपोजिबल एलिमेंट जो टारगेट साइड पे मूव होना है मूव करने से पहले इसका एक कॉपी बनता है और वो जो कॉपी बनता है वो जाके आपके टारगेट साइड पे क्या करेगा अटैच कर जाएगा मींस आपका डोनर साइड एज इट इज कोई चेंज नहीं होता क्योंकि कॉपी बनने के बाद आपका ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स क्या जो कि मूव करता है एंड दिस इज नोन एज कॉपी एंड पेस्ट आर रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन और थर्ड वन हमारे पास रिट्रो ट्रांसपोजिशन है रिट्रो के केस में हमारे पास क्या होता है जो ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स है आर एन ए बनेगा ना विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस आर एन ए से फिर से हमारे पास फिर से डी एन ए कॉपी बन के आता है एंड नाउ दिस डी एन ए आर फाइनली टेकन टू दी टारगेट साइट उसे टारगेट साइट पे ये डी एन ए मूव होता है तो यहाँ पे क्या है आपका पूरा प्रोसेस है वहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाम का भी रोल है यहाँ पे भी डोनर साइट एज इट इज क्योंकि कॉपी जैसा बन के आपका जा रहा है तो डोनर साइट का पे और आपका कोई चेंज नहीं रहता तो यहाँ पे टारगेट साइट पर मूव कर गया और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाम आर एन ए बनने के बाद फिर फिर से वहाँ से डी एन ए बने तो हम उसे क्या कहते हैं अगर इस तरह से आपका मैकेनिज्म हो देन वी कॉल इट इन ए रिट्रो ट्रांसपोजिशन हमारे पास रिजल्ट क्या होगा सबसे पहले आपका हो सकता है जीनोम साइज जो आपके पास है फॉर एग्जांपल रिट्रो रेप्लिकेटिव वाले में देखिएगा आपका जीनोम साइज क्या कर जाएगा जीनोम साइज जो है वो चेंज होगा मीन्स जीनोम साइज इंक्रीज कर जाएगा और इससे कभी होता कि जेने चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर है आपका पूरा चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन कभी कभार एक फंक्शनल जीन के ऊपर अगर ट्रांसपोजोन्स मूव कर जाए तो उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा सप्रेस कर देगा हमारे पास नए प्रोटीन बन सकते हैं और कभी कभार होता है क्या रिकम जब आपके ट्रांसपोजोन्स मूव करें बिटवीन डिफरेंट क्रोमोजोन्स तो वहां पे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स छोड़कर कोई दूसरे क्रोमोसोम्स पे मूव कर गया अब वहां पे मूव करने के कारण क्या हो जाता है देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल इट ए डीएनए रिकॉम्बिनेशन ये चीज यहाँ से याद रखिएगा अब हम पढ़ते हैं एसी एंड डीएनए सिस्टम इन केस ऑफ मेस ए सी एंड डी एस सिस्टम ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जो कि बारबरा मैकलिनटॉक ने किस में देखा था शी हेज रिपोर्टेड इन केस ऑफ मेस में और वाइल रिपोर्टिंग उन्होंने देखा था कि मेस के जो सीट कलर हैं, है, that है she has reported three types of color. एक आपका पर्पल कलर नेक्स्ट इज येल्लो आ कलरलेस और तीन तीसरा उसने देखा कि स्पॉटेड मीन जहाँ पे पर्पल कलर और येलो कलर येलो कलर के बीच में पर्पल कलर के पैचेज थे and she has reported that actually these are because of the two mobile elements that are he she term is an AC and DS element एस एलिमेंट और उन्होंने देखा कि एक्चुअली सी जीन रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ के लिए ये चीज़ यहाँ पर आगे एकदम से और डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे देखिएगा अगर सी जीन है तो वो आपका पर्पल कलर डी एस एलिमेंट सी के ऊपर मूव करा तो वो कलरलेस या येल्लो कलर हो जाएगा और उन्होंने ये चीज़ भी बताया कि जितने भी आपके ए सी एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ जो है फिक्स है दैट मीन्स फोर फाइव सिक्स थ्री बेस पेस होगा और जितने भी डी एस एलिमेंट्स होते हैं वो उन्होंने माना कि वो ए सी एलिमेंट्स में कहीं डिलीशन होने के कारण बना है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डी एस एलिमेंट जो है वो हमेशा मूव करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए सी एलिमेंट ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ नोट करने रखिएगा ठीक है अब हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब आपके नॉर्मल हो कोई डी ए सी डी अपने जगह पे हो कहीं मूव नहीं किया सी नॉर्मल केस में क्या करेगा दैट विल एक्सप्रेस और वहां पे सीट का जो कलर होगा कौन का मेज का वो क्या होगा पर्पल -पर कलर अब नेक्स्ट पे उन्होंने देखा मान लीजिए ये नॉर्मल केसेस में है नेक्स्ट में देखा उन्होंने कि कहीं से डी एस एलिमेंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसी एलिमेंट पो के क्या कर जाता ब्रेक कर जाता एंड शी हैज रिपोर्टेड फ्रॉम दी क्रोमोसोम नंबर नाइन से क्या कर गया आपका डी एस एलिमेंट टूट के नाउ दैट हैज इनकरप्टेड इन सी जीन के यहां इंसर्शन साइट होता वहां पे जाके क्या कर गया डीएस एलिमेंट है नंबर उठ के डी सी जीन के इंसरेशन साइट पे गा के अटैच कर गया नाउ सी जीन का फंक्शन क्या हो जाएगा दैट विल बी स्टॉप अब ये सी जीन का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या करेगा दैट विल प्रोड्यूस मीन कलरलेस और आपका अब कौन का सीड का कलर क्या होगा दैट मीन भी येलोइश कलर आपको नजर आएगा थर्ड चीज उन्होंने क्या देखा पैचेस के लिए उन्होंने देखा कि नाउ ये एलिमेंट एलिमेंट इन द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ अदर के के में फिर से से सी जीन निकल के वो किसी दूसरे जगह मूव कर जाता अब मूव करा तो क्या हुआ जो आपका म्यूटेंट सी जीन था जो पहले अब ये सी एलिमेंट सी जीन है वो फिर से एक्सप्रेस करने लगता है क्योंकि डीएस एलिमेंट मूव कर गया अब यहां पे एक्चुअली उन्होंने ये देखा कि सी जीन अब अपना नॉर्मल इफेक्ट शो नहीं कर पाता वहां पे जो सीट का जो कलर है पर्पल कलर के सिर्फ पैचेस थे इन दी ब्राउन सॉरी गोल्डन या येलो कलर के उसमें पैचेस ऑफ पर्पल कलर शी हैज़ रिपोर्टेड एंड दैट मींस यहाँ से इन्होंने पूरा ये चीज कंक्लूजन निकाला मींस ये डी एस एंड ए सी जो डी एस मीन्स डिसोसिएशन ए सी मीन्स एक्टिवेटर एलिमेंट्स ये एक्चुअल में कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सी जीन सी जीन के एक्सप्रेशन को पूरा रेगुलेट करता है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कॉन्सीड कलर ये आप लोगों ने देखा अगर आपका डी एस एलिमेंट मूव करा तो कलरलेस या येलो कलर डी एस एलिमेंट फिर से वहाँ से सी जीन से निकल गया तो वो पैचेस फॉर्म में दैट इज ऑल अबाउट दी ए सी एंड डी एस एलिमेंट नेक्स्ट अगर हम अप्लीकेशन की बात करें तो अप्लीकेशन में हमारे पास फर्स्ट है जीन एंड इन एक्टिवेशन मीन्स कोई भी एक ऐसा आपके पास जीन हो दैट है उसको हम क्या कर सकते हैं उस जीन की नेगेटिव इम्पेक्ट को सप्रेस कर सकता है बाईजिंग डी एस एलिमेंट या मोबाइल एलिमेंट्स नेक्स्ट चीज़ है जीन टैगिंग जीन टैगिंग एक्चुअल में होता क्या है जीन टैगिंग यहाँ पे देखिएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके सामने हम अगर कोई नून डी एन ए सिक्वेंस अगर लगा देट ए वी कॉल इन इन जीन टैगिंग मीन्स यहाँ पे डी एस एलिमेंट हमारे पास नून सिक्वेंस होगा तो हम क्या करते हैं कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट के सामने अगर कोई नून मान लो डी एन ए सिक्वेंस जो कि हमें पता हो उसे अगर हम डाल देते दैट इज कॉल्ड जीन टैगिंग तो ये डी एस एलिमेंट इन बहुत सारे जीन टैगिंग में आपका बहुत यूज होता है नेक्स्ट चीज आपका अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए आपको पता है किसी जीन के अंदर बाई जीन टैगिंग तो हम उसका क्लोनिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं सी एफ नाइन जीन जनरली ये क्या है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है ये आपका क्या होता है सी नाइन जीन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है एक सब्सटेंस दैट इज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन बाय फंगस इस सी एफ नाइन जीन को फॉर दर्स्ट टाइम हैज़ बीन आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ डी एस मीनस डी एस एलिमेंट जो मेज में उसके प्रेजेंस में इसको निकाला गया था एंड नाउ इट हैज़ बीन इंसर्टेड इन सो मेनी प्लांट्स क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा जो आपका डी एस एलिमेंट और एस सी एलिमेंट है ना ये देट आर नॉट रिस्ट्रिक्ट मेज प्लांट ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं फंक्शनल बना सकते हैं मीन्स ट्रांसफर यूज करके दूसरे मीन्स कहने का मतलब आपका मेज हुआ बार्ले आपका राइस और वीड इन प्लांट में भी ये एसीडीएस डी एस एलिमेंट आपका काम कर जाता है और एक चीज आपका क्लोनिंग ऑफ वाइबल लोकस ऑफ द मेज प्लांट जनरली दिस जीन हैज बीन आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ दी एम यू थ्री एलिमेंट दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थैंक यू